हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे HAU में MBA और ABA में कैसे एडमिशन लें। मेरे पास एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि MBA और ABA में किस टाइप से एडमिशन लें, क्योंकि यहाँ पे आपसे ICAR का एग्रीडेशन नहीं मांगा जाता। आपने BSc कहीं से भी की हो, कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, तो आप MBA और कर सकते हो, लेकिन ABA में आपके पास BSc इन एग्रीकल्चर ज़रूरी है। तो MBA जनरल की सीट है 20, ABM की 20, देन एक नया प्रोग्राम लास्ट ईयर ऐड किया गया था मास्टर इन रूरल मैनेजमेंट, तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। तो तीनों की अगर हम टोटल करेंगे तो 60 सीट यहाँ पे HAU में है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एग्रीप्रेन्योरशिप, ये गुरुग्राम में बनाया गया था, लेकिन क्लासेज आपकी हिसार कैंपस में ही लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी कॉलेज पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। इसमें जो फॉर्मेट है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, तो MBA जनरल में आपको जो मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, एडमिशन आपको आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स से मिल जाएगा। और ABM में, दैट इज एग्री बिजनेस, तो यहाँ पे आपने अगर CMAT दिया है तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, इसके बाद आपके जो ग्रेजुएशन के नंबर हैं उससे आपको एडमिशन मिलेगा। सेम प्रोसेस आपका रूरल मैनेजमेंट में जनरल की तरह है, आपके मेरिट बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। और जो फीस है वो अराउंड 1,20,000 है 2 साल की, वो सेमेस्टर वाइज वेरी करती है। और कुछ स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि एग्रोनॉमी या फिर इसमें कैसे एडमिशन लें, तो अगर हिसार कैंपस में आप बात करो तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर MSc अगर आप करना चाहते हो तो देख सकते हो जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। इकोनॉमिक्स में 7 सीट है, एग्रोनॉमी की 13 सीट, एंटोमोलॉजी 9 सीट, इस तरह करके ये 75 से 80 सीट बन जाती हैं। इसमें आप देख सकते हो ICAR से भी जो स्टूडेंट आते हैं तो 20 स्टूडेंट, ICAR से भी 20 से 25 स्टूडेंट, और जो हरियाणा रेजिडेंस है वो है 75 प्लस। तो छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। धन्यवाद।